गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। काफ़ी अच्छी सुबह है, रात में टेम्परेचर 4 डिग्री था लेकिन अभी धूप अच्छी खिल गई है और हम लोगों ने अपना लगेज लगभग लगभग बांध लिया। रुके थे हम मस्कट बेलव्यू में, अच्छा होटल है। रात में जो आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में कि हम लोगों ने MG रोड थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और अभी फिर से हम लोग MG रोड के ही आसपास जा रहे हैं अपने परमिट को कलेक्ट करने के लिए। तो अपने दो भाई थे, ये कोलकाता से कल आ रहे हैं, ये कोलकाता से हैं जो कल गुरु डोंगमर और यमतांग वैली करके आए और इन्होंने बताया कि बर्फ़ बहुत है, ठंड बहुत है, टेम्परेचर काफ़ी गिरा है, रात कभी कभी -10 तक जाता है, 15 तक जाता है। देखते हैं, अब तो निकल चले हैं 3 घुमक्कड़, तो निकल चले हैं हम अपने परमिट के लिए आगे MG मार्ग से। पहले मैं परमिट कलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे लाचेन के लिए। आज का स्टे लाचेन में होगा। ये है महात्मा गांधी रोड, रात में हम यहाँ आए थे और अभी हम लोग यहाँ आए हैं। अपना राइडर्स घूम रहे हैं बहुत सारे और हम पहुँचेंगे अपने मित्र के शॉप पर जिनसे पास लेना है, तो पास लेके। तो ये है मेरी परमिट, मेरी परमिट मिली है, ये यहाँ का टूरिज्म का परमिट होता है और ये मेरी बाइक का परमिट है। सो परमिट कलेक्ट करने के बाद अब टाइम है यहाँ से लाचेन निकलने का। रास्ते में मुझे राकेश भाई और निबंधु भाई मिलेंगे, उनका भी परमिट बन गया है, तो आई होप सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रास्ता जो है वन वे है, यानी मैं इधर से नहीं जा पाऊँगा, इधर से ही जाना पड़ेगा। निकलते हैं पार्किंग एरिया से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और ये वन वे है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप वन वे से जाएं, अन्यथा बहुत हेफ्टी फाइन लगेगी। और ये यहाँ पे लोकल टैक्सी स्टैंड के लिए पार्किंग है। ये नज़ारे आने शुरू हो गए हैं। ये यहाँ का पहला वाटरफॉल, तो ये रास्ते में एक मंदिर है। जब आप गंगटोक से थोड़ी सी आगे लाचेन की ओर निकलते हैं तो हमने यहाँ रुक के थोड़ी सी पूजा की है कि हम सकुशल यात्रा करके लौटे। और वैसे भी आज मंगलवार है और बहुत ही सुंदर सा बजरंगबली के गीत बज रहे हैं और नज़ारे देखिए। अब हालांकि अब ठंड लगनी शुरू हो रही है, हल्की सी ठंड फील हो रही है मुझे, तो अभी थोड़ी सी बॉडी को और हैबिचुएट होने देते हैं हल्की हल्की ठंड में, क्योंकि फिर आगे एकाएक ठंड जब बहुत बढ़ जाएगी तो बॉडी ज़्यादा गर्म होगा तो ठंड गर्म होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तीनों राइडर तैयार हैं, तीनों बंधु, 3 घुमक्कड़ निकल रहे हैं अब लाचेन की ओर। परमिट बन गया है तो निकलते हैं आगे। खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही अच्छा कोटेशन, बेटर लेट देन नेवर, और बुद्धिस्ट फ्लैग, पहाड़ से गिरता हुआ झरना, शानदार नज़ारे। और इन्हीं नज़ारों के साथ मैं निकल रहा हूँ लाचेन की ओर। लाचेन से फिर हम कल सुबह गुरु डोंगमर के लिए निकलेंगे। गुरु डोंगमर की बातें
और आगे मैं करूँगा आपसे। फिलहाल चूँकि हम शहर से बाहर निकल रहे हैं तो राइडिंग में हमेशा सामने ध्यान देना है, और जगह जगह कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं ब्रो। पहाड़ों पे रोड बनाना और कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं होता। इनके मेहनत को, इन मजदूर भाइयों के जज्बातों को सलाम कि रोडों के निर्माण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आपको इन ऊँचाइयों पर 1 किलो ईंट भी ले जाने में हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत ताकत लगती है। धीरे धीरे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ रही है तो मुझे हल्की हल्की ठंड की अनुभव होती है, और जो ठंड ऐसे तो अपने बिहार में भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस ठंड में और इधर की ठंड में जो बुनियादी अंतर मुझे महसूस होता है वो यह है कि हमारे यहाँ ठंड को कनकनी ज़्यादा कहें तो बिहार जैसे इलाके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ठंड में हवा इतनी चलती है जिसे पछिया हवा बोलते हैं, तो वो कहीं से शरीर को छूती है तो ऐसा लगता है कि नस्तर सा कुछ काट के निकल गया, और यहाँ ठंड में गलन महसूस होती है, उंगली उंगलियों में विशेषकर, चाहे पैरों के या हाथों के। और देखिए ये पेड़ इस बात के गवाह होते हैं कि इधर बर्फबारी है, होती रहती है। माइटी हिमालय, जबरदस्त पहला नज़ारा आप देख रहे होंगे, बर्फ से ढके पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। और बेहद ही मनमोहक नज़ारों के बीच हम निकल चुके हैं लाचेन की तरफ। एक तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धिस्ट फ्लैग हवा में धीरे धीरे, कभी शांत कभी हवा में लहराते हुए, और ऊपर से दोनों तरफ हरियाली। इस राज्य की तो बात ही अलग है। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि सिक्किम में बड़ी इलायची सबसे अधिक पैदा होती है, तो ये इनका क्षेत्रीय मतलब रीजनल रिसर्च सेंटर है और स्पाइस बोर्ड का, और यहाँ पे विशेष रूप से जो बड़ी इलायची होती है, बड़ी इलायची, उसकी खेती सिक्किम में बहुत ज़्यादा होती है, और सिक्किम में जैविक खेती बहुत प्रमोट है, तो यहाँ से बड़ी इलायची हमारे मसालों के रूप में आता है। और ये सेटअप है, ये शायद बड़ी इलायची का पेड़ है। तो चलते हैं आगे। अब दिस विलेज इज सस्टेन बाय द लिंगडॉक टेम्पोक इको डेवलपमेंट कमेटी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हम हैं अभी तो फैमबोनगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह है यहाँ की सेंचुरी, हालांकि बंद है। तो आप बढ़ते हैं आगे।
ये है यह रास्ते में पड़ने का हिमालयन व्यू पॉइंट, और यहाँ से मैं आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ वो देखने लायक है। तो वो देखिए सामने पूरे बर्फ से ढके हुए हिमालय, बीच में बादल है और पूरा बर्फ से ढका हुआ, क्या नज़ारे हैं खूबसूरत से बेहतरीन। सा कैफेटेरिया बना रखा है और कंसेप्ट देखिए तो पेड़ों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। आयरन पाइप यानी लोहे पाइप को माउंट करते हुए प्योर वुडन स्ट्रक्चर है ये, प्योर वुडन स्ट्रक्चर है, कॉफी शॉप है। और गमलों का डिज़ाइन देखिए, पेड़ के तनों पर नक्काशी करके गमलों का डिज़ाइन बनाया गया है। और बेहतरीन, इसीलिए सिक्किम नेचर फ्रेंडली राज्य है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है इन सब चीज़ों से। अमूमन अगर कोई दूसरी जगह होती तो नीचे से पिलर खड़ा किया जाता और उसके ऊपर कंक्रीट की ढलाई की जाती, लेकिन ये वंडरफुल ट्री हाउस कंसेप्ट है, बेहतरीन। तो चलते हैं, मैं आपको कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ। हिमालयन व्यू पॉइंट ये लाचेन के जाने के वक्त पे मिलता है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और मुझे ये देखना है कि ये फ्रूट्स किस चीज़ के हैं। तो हम हैं इस पॉइंट पे, ग्रोसरी शॉप भी है और थर्ड पोल यानी हिमालय, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद वो इलाका जहाँ पे सबसे अधिक बर्फ है। हालांकि अभी हम बहुत कम ऊंचाई पे हैं, गुरुडोंगमर्ग से आगे भी लोग, जो कंचनजंगा का इलाका होता है बेस कैंप वहाँ तक, और बीच में छोटे छोटे गांव आबादी। तो चलते हैं अब यहाँ से, कॉफ़ी पीने के बाद आगे बढ़ते हैं। नज़ारे देखिए, मन तो करता गाड़ी रोक के नज़ारों को ही कैप्चर करता रहूं, लेकिन चूंकि हमें आगे भी जाना है और यह भी ज़रूरी है, थोड़ा सा बाउंड भी लूज हुआ है, इसलिए आगे जाके कहीं गोपरों को भी एडजस्ट करूंगा। और अभी मैंने अपने बाइक पे ये फ्लैग लगाया है, तिब्बतीय फ्लैग, ओम पानी पद में हम, और सब्जियां बिक रही हैं ऐसे आराम से रखा हुआ है, जिसे ज़रूरत होगी वो खुद बुला के ले लेगा। ये बहुत सादगी वाली और बेहतरीन जीवन शैली है। और राकेश भाई सफ़र के मज़े लेते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से मजे लेते हुए, छमक छल्लो जावा नवेंदु भाई की।
सुंदर सा वाटरफॉल, ऊपर से दूध की धाराओं जैसी बहती झरना, ये फ्लैग सुंदर से, और ये नजारे। इन नज़ारों को देखने के बाद स्वतः एक गजब सा आनंद आता है, गजब सा, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतनी अंदर से खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है, लगता है चारों तरफ कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, प्रकृति अपने पूरे स्वभाव पे हो और वो भी मनुष्य के समन्वय के साथ। और यह राज्य हमें यह संदेश देता है, यही प्रेरणा देता है कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं या प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात करते हैं, तो सिक्किम राज्य यह दिखाता है और यह बताता है कि हम रह सकते हैं प्रकृति के साथ सामंजस्य करके, बेहतर रूप से, बिना उसको नुकसान पहुंचाए। चलिए इन रास्तों पे आगे बढ़ते हुए मैं और भी बेहतरीन नज़ारे आपको दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नज़ारे हर 10 कदम पे, हर 10 मीटर पे एक खूबसूरत सा नज़ारा आता है। और अब हम नॉर्थ सिक्किम में इंटर करते हुए, ये है डिक्चू। डिक्ची खोला ब्रिज है ये, और शानदार नज़ारे हैं यहाँ देखा जा सकता, शानदार ब्रिज और दोनों तरफ के नज़ारे। डिक्चू खोला ब्रिज से हम इंटर कर रहे हैं।